नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे RWA क्या है, RWA किस तरीके से काम करता है। RWA यानी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन शहरी आवासीय परिषद है। इसका मतलब एक कॉलोनी में RWA के माध्यम से विकास की धाराओं को तय किया जाता है। इस पे पूरी जानकारी के लिए हमने बात किया पूर्व RWA के प्रधान धीरेंद्र झा जी से। उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने प्रधान रहते हुए किस तरीके से विकास की धाराओं को मजबूती से रखा। व्यवस्थित ढंग से कॉलोनी में सामाजिक जीवन चले, कॉलोनी में लोग जो है व्यवस्थित ढंग से अपना जीवन जिए, इसलिए समाज के द्वारा एक व्यवस्था है कि जो हमारे रिहायशी लोगों का यानी कि आवासीय लोगों का जो है संगठन है, जो संगठन हमें जो है वो पुलिस और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं MP MLA निगम पार्षद और पुलिस और प्रशासन, इन सब से के बीच में तालमेल बैठा करके कॉलोनी में लोगों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम करता है। यही मुख्य रूप से जो है RWA का जो है वो RWA इसी को कहते हैं कि, और उसके लिए एक अध्यक्ष पद होता है, महासचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं और भी उनके सदस्य होते हैं। और इस तरह से हर कॉलोनी में जहां भी लोग व्यवस्थित ढंग से हैं वो सारे के सारे अपनी अपनी अलग अलग RWA चलाते हैं। RWA में अगर अध्यक्ष अगर तेज तरार है तो वो अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे जो है अपना तालमेल बढ़िया बना के रखते हैं, साथ साथ संबंधित विभाग, संबंधित मंत्री, जैसे जिस डिपार्टमेंट का काम है उस डिपार्टमेंट के मंत्री से अगर आपका तालमेल है, अगर उस डिपार्टमेंट के अफसर से आपका जो है वो सही तालमेल बैठ जाता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड अपनी कॉलोनी में जो है जुटा सकते हैं। क्योंकि ये सत्य है कि RWA जो है वो एक कॉलोनी के आवासीय लोगों का जो है संस्था है और ये प्राइवेट संस्था जरूर होती है, लेकिन अगर RWA के लोग सक्रिय हैं, खास करके अध्यक्ष और महासचिव, तो बहुत सारे फंड अलग अलग सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से कॉलोनी में लाया जा सकता है। जो है चुनाव लड़ा था अपने वेस्ट कमल बिहार, हम लोगों की कॉलोनी है, तो उस कॉलोनी में 2013 से 2015 दो साल के लिए मैं कॉलोनी का प्रधान बना था। उस दरमियान दिल्ली में जो है वो विधानसभा करीब जो है 12-13 महीने तक विधानसभा सस्पेंड रहा, उसके बावजूद दो नए नए ट्रांसफार्मर जो है वो बाद के जो महीने हुए वो 24 महीने में जो 8-9 महीने लास्ट के हमें मिला तो उसमें दो नए ट्रांसफार्मर इस कॉलोनी में लगा और हम जो है वो अपनी कॉलोनी में वो 4 ब्लॉक उस समय में था, अब तो 5 ब्लॉक है, तो 4 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक में मैंने उस समय में जो है वो हर गलियों में बोर्ड लगवाया था, लोहे का बोर्ड जो है मोटे चदरे का, इसलिए लगवाया था कि वो सालों साल चले और उसको रंग रोगन करके दोबारा से जो है, तो गलियों का हमने नंबर दिया, कोशिश किया था कुछ गलियों में जो है वो मकान नंबर भी पड़ा और आगे फिर से हमारी कॉलोनी में चुनाव होने वाला है तो उसमें अगर हमें मौका मिला तो मैं जो हूँ वो आगे जो भी अधूरे काम है हमारे वो। आपने हमारे वीडियो को देखा, विश्वास है अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए अनंत वक्ता मीडिया के साथ।